नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सागर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए संक्रमित मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल सके इसके लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों के मेडिसिन सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए पहल करते हुए पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने जिला प्रशासन को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। उन्होंने बढ़ते संक्रमित मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कृत्रिम संकट बना बाजार में जारी काला बाजारी पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले में सरकार के उदासीन रवैये पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास करने के बजाय उपचुनाव में व्यस्त होने का। सागर जिले में कोविड संक्रमण से हालात एक बार फिर बेकाबू होने लगे हैं, जहां आलम ये कि अब नित रोज संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड छू रहा है। शासकीय चिकित्सालय और निजी अस्पताल कोविड मरीजों से भरे पड़े हैं। ऐसे में संक्रमित मरीज के इलाज में कारगर साबित होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण बाजार में जमकर कालाबाजारी हो रही है। हमें चंद 100 रुपए का इंजेक्शन हजारों रुपए में उपलब्ध कराकर खूब मुनाफाखोरी हो रही है। इस मामले में बनने वाले हालात पर पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने चिंता जताई और मामले में इलाज की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन की पूर्ति बनी रहे इसके लिए सरकार से प्रबंध किए जाने की मांग की। उन्होंने बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जारी कालाबाजारी के मामले में ऐसे लोगों पर नकेल कर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग रखी। पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कोरोना संक्रमण के भयावह हालात के बाद भी सरकार के मुखिया सहित स्वास्थ्य मंत्री के उपचुनाव में व्यस्त रहने पर भी कटाक्ष किया और संक्रमण के मामले में सरकार के गंभीर नहीं होने के आरोप लगाकर इसकी रोकथाम की दृष्टि से सार्थक प्रयास नहीं किए जाने की बात कही। उन्होंने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को संक्रमित बीमारी के इलाज में मदद मिल सके इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की। किए होते जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, इंजेक्शन की कमी हो रही है, आज अस्पतालों में बेड्स की कमी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हर तरफ अराजकता का माहौल है। बेहद लोग परेशान है, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजन बेहद परेशान हैं। ऐसे समय में सरकार को आपातकालीन सेवाओं की तरह काम करने की आवश्यकता है, मगर दुर्भाग्य की बात है मुख्यमंत्री जी पूरा समय उनका मंत्रिमंडल के सदस्यगण, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे उनके सदस्य की बात हो, पूरा ध्यान लगाए हुए हैं बाईपुर उपचुनाव पर, दमोह उपचुनाव पर। आज संकट के दौर में आम आदमी के साथ खड़े न होकर मात्र चुनाव पर ही केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही जो होना चाहिए वो आज हमें परिलक्षित नहीं हो रही है। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।